हेलो एवरीवन, कैन यू गाइस हियर मी? फटाफट रिस्पॉन्ड करो। बैकग्राउंड सर, गुड आफ गुड नून बेटा, गुड नून गुड नून। और क्या कर रहे हो? सब बढ़िया। हाँ, यस तो मोशन पढ़ना था ना अभी कि खत्म हो गया था मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर ग्राफ पे क्वेश्चन करेंगे, है ना? पहले ग्राफ पे क्वेश्चन करेंगे, पहले सर्कुलर मोशन कर लें, पहले क्वेश्चन कर लें। ठीक है। हाँ बेटा, सर, आई हैव सम डाउट फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ मोशन। आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? बड़ा बड़ा करेंगे तो स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा, दिक्कत ये है इसके साथ। पढ़ पा रहे हो? पढ़ो फटाफट, मीनिंग समझो और मुझे बताओ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, या सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो बेटा? क्या इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नोट डाउन करने में बहुत टाइम लग जाएंगे, तो मैं ये क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? बाद में आप बस क्वेश्चन नंबर करके उसको सॉल्व करके आंसर लिख लो, ठीक है? डायग्राम बना के वो करके आंसर बना। सर, ए होगा। ये होगा पक्का? ठीक यस है। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। हाँ, मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लूं। स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो क्या कह रहा है ये? द जॉइनिंग कर्व रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, इट्स एक्सेलरेशन। वैल्यूज, अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यूज अलोंग ओ ए, ए बी एंड बी सी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें ओ ए के अलॉन्ग, ए बी और बी सी, इन तीनों केसेस में इसका एक्सेलेशन कितना कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है बेटा? तो ओ ए के लिए अगर बोलें तो क्या हो जाएगा, स्लोप निकालते हैं। स्लोप कितना हो जाएगा? 10 - 0 अपॉन 10, है ना? Yes, sir. ए बी में तो स्लोप 0 ही है, तो एक्सेलेशन कितना हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलेशन कितना हो जाएगा? 0, कोई दिक्कत? No. बी सी में क्या होगा, क्योंकि आपका एक्सेलेशन आप आराम से निकाल सकते हो, क्या करोगे? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। और टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड, दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 -0.5, ऑप्शन नंबर 1, ओके बेटा? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। यस सर। अगला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन इज शोन बिलो। फिर से ये वेलोसिटी और टाइम है, ये v है, ठीक है? द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकंड इज, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे? 8 सेकंड मतलब इस टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, बताएगा कोई मुझे? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दोनों निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। ये वाला एरिया अगर A1 आता है और ये वाला एरिया लेट से कैलकुलेट करने के बाद आपका A2 आता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? A1 - A2, है ना? समझ में आई बात?
ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है बता रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये एरिया क्या है पॉजिटिव है, और ये वाला एरिया ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाए, ओके, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। जो ऊपर एरिया होता है ना एक्स एक्सिस के, वो पॉजिटिव एरिया होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव कहलाता है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, या तो आप ए टू को साइन के साथ रखो, अगर साइन के बिना लिख रहे हो तो माइनस ए टू करो, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मेरा ए वन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए पूरा सॉल्व कर दो, ए वन कितना हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड कितनी फोर, ये साइड कितना टू, तो फोर प्लस टू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज फोर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया टू इंटू सिक्स, 12 meters. A2 कितना हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या है फोर से एट, फोर प्लस इधर टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा तो बता दो भाई, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम माइनस टू या टू लिख लो, इज इक्वल टू सिक्स मीटर्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 12 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर्स। अगर आपसे बोला जाए पाथ लेंथ, ध्यान दो, अगर आपसे पूछा जाए पाथ लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये पूछा जाए तो क्या करोगे, 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर, आपसे पूछा गया ये, यही आपका आंसर, आपका आंसर कौन सा होगा, सिक्स मीटर्स, ऑप्शन नंबर थ्री, ओके बेटा फटाफट कॉपी कर लो सॉल्यूशन। देखिए हमारा वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अब वो एरिया जो एक्सिस के ऊपर हो वो तो पॉजिटिव कहलाता है, नीचे वाला नेगेटिव कहलाता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वाला एक ट्रेपीजियम बन रहा है, 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा ट्रेपीजियम, उसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 0 से लेके 4 तक ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1 से 3 2 हो गया, तो हाफ इंटू 4 प्लस 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 है ना डिस्टेंस, 4 मीटर पर सेकंड है, आया ना, तो इंटू 4 हाफ इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर आ गया, यहाँ इसमें कोई दिक्कत है, सेम तरीके से नीचे वाला एरिया निकाला तो क्या हाफ इंटू 4 प्लस 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2 तो कितना आया 6 मीटर था, ठीक है। पर ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा, ये वाला एरिया नेगेटिव होगा, इसलिए आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया 12 माइनस 6 मीटर, ठीक है। लेकिन पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ध्यान दीजिए ये कहना क्या चाहता है, पहले इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो पार्टिकल पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, पहले एक्सेलरेट करते हुए गया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, फिर रिटार्ड करते हुए गया, पर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में गया क्योंकि वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव थी। कहाँ तक पहुँचा, 12 मीटर तक पहुँचा, क्योंकि ये वाला एरिया कितना है 12 मीटर है ना। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब पार्टिकल टर्न अराउंड कर गया और उल्टा कितना आया 6 मीटर सा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है ना, और पाथ लेंथ कितना हो गया 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है एकदम कि नहीं क्लियर है। आगे बढ़े, थर्ड नंबर क्वेश्चन
ऑप्शन वन क्यों है? ऑप्शन वन मतलब इसमें एक्सेलेरेशन इनफाइनाइट हो जा रहा है, राइट? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना, राइट? इसमें तो कुछ करना नहीं है, समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, बाकी तो सब कुछ ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, जितनी मर्जी उतनी बार इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। पर ये जो है, जो सडन चेंज इन एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, ये वैल्यू 1000 है, ठीक है? ऑप्शन फोर सही है। सर प्लीज डू मेक टू के फोर सही है या टू सही है, कौन सा सही बताइए तो। बाकी ऑप्शंस तो बेकार है। सर टू है। टू आ रहा ना? यस सर। मुझे एक बात बताइए, रॉकेट जब उसको चलाया गया है तो कैसे मूव करेगा? वो फ्यूल को इजेक्ट करेगा, है ना? जैसे फ्यूल को इजेक्ट करेगा और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, राइट? है ना, यही होगा ना, बोलो ना। इससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही कर रही कर रही कर रही कर रही है। एक टाइम ऐसा आया जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर फ्यूल खत्म हो गया, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम थी, तो क्या होगा, यहीं से नीचे आ जाएगा क्या? जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ना, तो उसके बाद ये फ्री फॉल करेगा और एक मैक्सिमम हाइट पे जाके लौटेगा, है ना? मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो, जहां वेलोसिटी जीरो हो? इसके से बताइए तो वेलोसिटी जीरो कहां हो रही है, 20 सेकंड्स पे कि 120 सेकंड्स पे? 120 सेकंड्स। तो यहां पर जाके मैक्सिमम हाइट पहुंचा, दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम, राइट? सो व्हाट डू यू नीड टू फाइंड सर, वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, समझ में आई बात? तो क्या करेंगे, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई,
हाफ इंटू बेस कितना 120 सेकंड्स, इंटू वेलोसिटी कितनी, मैक्सिमम हाइट कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 1000 मीटर। तो ऑप्शन 4 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, समझ में आया कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, जहां पे वेलोसिटी जीरो ही उस वक्त तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो है मैक्सिमम हाइट। आया ना? आगे बढ़े, पिछला वाला पेज दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट आपके सारे स्क्रीनशॉट। ठीक बताइए इसको, बोलिए। ऑप्शन वन है, दिमाग लाने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर जो स्लोप देगा वो वेलोसिटी देगा, तो कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये चला है और अल्टीमेटली जाके रेस्ट पे आ गया है ना। आगे बढ़े, हाँ मुझे पता है। समझ में आया कुछ? बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, देखो क्या होता है, स्लोप होता है ना, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है, और स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है उसका टैन थीटा है ना। तो टैन 30 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री, तो उसका रेशियो क्या हो गया 10 30 बाय 10 60, 1/3। समझ में आया कि नहीं?
आगे बढ़े। कॉल करिए इसको जल्दी जल्दी। देखते हैं समझ में आया। इजी या डिफिकल्ट? Easy. अब देखो आप चार एरिया की जगह तीन एरिया कर सकते हैं। कैसे? एक ये ले लेते हैं, ये भी ट्रेपीजियम है, एक ये ट्रेपीजियम और एक ये रेक्टेंगल। ये कर सकते थे मैंने चार में जोड़ा, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रेपीजियम प्लस रेक्टेंगल, ऐसे जोड़ा मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत? निकालना तो एरिया ही है ना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू क्या? हाँ बेटा, सारे एरियाज निकाल ली। ये वाला 60 आया, ये 10 20 आया, ये 10 आया, ये 15 आया, है ना? निकाल सकते हो ना, ट्रेपीजियम रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, है ना?
कोई दिक्कत इसमें? हो गया, ग्राफ के बहुत क्वेश्चंस हो गए, समझ में आ गया ना ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ऑब्वियसली और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये सब तो आसान है ना। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन पे चलते हैं। ठीक है, इससे डिफिकल्ट तो कभी नहीं आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल का मोशन कंसीडर कर रहे हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कल का रेडियस हमने ले रखा है आर, इसकी स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे कितनी रहती है? वी रहती है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल भी। समझ में आई बात? Yes. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नहीं, अभी चेंज नहीं कर रहा, आगे बढ़। तो इसका मतलब मोशन इज यूनिफॉर्म बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूँ क्या? Yes, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, सो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। वैसे भी कह सकते हो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज वेरिंग, कांस्टेंट नहीं है, है ना? इसलिए इसका नाम यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी वेक्टर इज वेरिंग, है ना? वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड लेकिन जीरो है, तो एक्सेलेरेशन का क्या होगा? एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट, इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट। समझ में आई बात? अच्छा, अब मुझे बताओ पार्टिकल एक्सेलेरेट कब करता था? जब वेलोसिटी का और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेम हो, है ना? इसका मतलब क्या होता था? वी इंक्रीजेस था, है ना? अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या होता था? पार्टिकल रिटार्ड करता था, इसकी स्पीड डिक्रीज होती थी, है ना? हमारा ये सिचुएशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घट जाएगा, है ना? तो एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो नहीं सकता? नहीं, एक्सेलरेशन तो है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है।
तो सर एक्सेलेरेशन किधर है? तो बेटा एक्सेलेरेशन ना तो वेलोसिटी की तरफ है ना उसके अगेंस्ट है ना, एक्सेलेरेशन उसके परपेंडिकुलर। हाँ, किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी लोगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? No, इसी एक्सेलेरेशन की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिए, हमने यहां क्या सीखा समझिए, जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है उसकी वजह से स्पीड इंक्रीज होती है, जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी जगह से स्पीड डिक्रीज होती है, और तीसरी चीज जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसकी वजह से स्पीड ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। समझ में आई बात? Yes, sir. Hmm? जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है उसकी वजह से स्पीड इंक्रीज होती है, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है उसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होती है। ओके बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. ये हम यहाँ लिख चुके हैं, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है उसकी वजह से स्पीड इंक्रीज होती है, जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होती है। कोई दिक्कत नहीं इसमें? No, sir. अब मैं कह रहा हूं नई चीज, जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसकी वजह से स्पीड ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है? Yes, समझ में आई बात? Yes, इसको कॉपी कर लो। डन। हमने क्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना उसको लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं स्पीड, यहां लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी वेक्टर है तो स्पीड इंक्रीजेस है ना, अपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर है तो स्पीड डिक्रीजेस, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो होगा क्या इसका इफेक्ट डायरेक्शन स्पीड का? तो बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। समझ में आई बात? इसको आप कहते हो एक्सेलरेटेड मोशन, इसको कहते हो रिटार्डेड मोशन। ये तो इसीलिए ये तो क्या है लीनियर मोशन में तो सब कुछ बढ़िया है, जब टू डायमेंशन में मोशन लगेगा तो एक्सेलरेटेड रिटार्डेड की डेफिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स किधर है सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग। समझ में आई बात? क्या ये परपेंडिकुलर है? वन नहीं है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन है आर लिखा। ठीक है,
आगे बढ़े मतलब यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये क्यों कॉपी तो कर लो। हो गया कॉपी, चलो आगे बढ़ते। ये मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल इधर मूव कर रही है वेलोसिटी वी से, ठीक है। इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, ना तो ये वेलोसिटी के अलोंग है, ना उसके अपोजिट है, ना उसके परपेंडिकुलर है। तो अब बेचारा क्या करेगा ये, एनी आइडिया? नो no. है आपको आइडिया, बस आप अपना दिमाग लगाने को तैयार नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन को मैं दो एक्सेलरेशन का सम मान सकता हूँ, एक वो जो अलोंग वेलोसिटी और एक वो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। सो मैं काम करता हूँ, दोनों का कलर अलग अलग कर देता हूँ। तो वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग आया है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्पीड विल और वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये क्या कह रहा है? मतलब ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? अभी दिखने में, बाद में क्या होगा पता नहीं, अभी के लिए कुछ ये वाला पाथ में जाने की कोशिश कर रहा है ना। yes, sir. और स्पीड बढ़ती जा रही है। ऐसा मोशन हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कभी करते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम कार को एक्सेलरेट करते करते टर्न करें तो होगा कि नहीं होगा? स्पीड भी इंक्रीज करी, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, आया ना? yes, sir. तो अब किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम हो जाएगा, उसके दो कंपोनेंट कर देंगे, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, काम हो गया। हाँ या ना? सबको समझ में आया? ठीक। सो डायरेक्शन जो है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक, जो भी है ये तो मैंने बस अलग से बता दिया, आपके सिलेबस का नहीं है, मैं आपके सिलेबस पर आता हूँ वापस से। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता कितना है? इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग है ना सर्कल के। रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं है। क्या ये मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड है? हाँ है। क्या क्या नाम है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? नहीं रहती।
क्या इसका एक्सेलरेशन होता है? हाँ होता है. क्या इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग है? नहीं है. क्या इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं है. तो इसका एक्सेलरेशन किधर है? सेंटर की तरफ है. कितना है? v स्क्वायर बाय r. इतना ही आपके सिलेबस में सर्कुलर मोशन. ठीक है बेटा, और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, है ना. और अगर किसी और डायरेक्शन में हो तब भी बता दिया, उसको दो कंपोनेंट कर दो, एक स्पीड चेंज करेगा, दूसरा डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा केस हो कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक पीछे की तरफ, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. स्पीड डिक्रीज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसे कर्व पे जाएगा लेकिन स्पीड डिक्रीज होते हो जाएगा, है ना. तो अब तो सारे क्लियर है ना कैसे कैसे करना है. तो आपका ये वाला चैप्टर का थ्योरी वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोगों ने, खूब सारे न्यूमेरिकल किए ना हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कर लिया. इस चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस भी हो चुकी है. आप लोगों को अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉड्यूल के सॉल्व करने हैं, अपने बुक के सॉल्व करने हैं और मुझसे डाउट पूछना है. ठीक है, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि नहीं किया क्वेश्चंस को, ये हो तो डाउट जितना हुआ उसमें डाउट तो आए होंगे ना, तो डाउट भेज दो, अभी डाउट डिस्कस कर लेते हैं. हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो. मैं बताता हूँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाउट भेजते रहिएगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. It moves a distance s1. अरे यार कौन सा कलर चलेगा इस पे. हाँ, it moves a distance s1 in first 5 seconds and a distance s2 in next 5 seconds. Prove that delta s2 is equal to 3s1. देखो भाई, displacement in 0 to 5 कितना हो जाएगा? हाफ ए इंटू फाइव स्क्वायर, हाँ है ना, ये होगा कि नहीं होगा. दैट मीन्स एस वन इज इक्वल टू हाफ ए इंटू फाइव स्क्वायर, ऐसे छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? आवाज क्यों नहीं आ रही?
डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 कितना होगा, इसको मैं एस टू बोल देता हूं, क्या ये हाफ ए इंटू 5 10 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब एस टू कितना हो गया, हाफ ए इंटू 10 स्क्वायर। पर आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस टू चाहिए। डेल्टा एस टू को कैसे डिफाइन किया इसने, डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में। क्या ये 0 से 10 माइनस 0 से 5 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो मतलब आपका डेल्टा एस टू कितना है, हाफ ए इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। अब आपको डेल्टा एस टू और डेल्टा एस टू और एस वन में रिलेशन चाहिए है ना, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ए, यहाँ से 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 3 टाइम्स हाफ ए 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 S1, हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? हुआ कि नहीं? और कोई, और कोई डाउट नहीं किसी को? जल्दी भेजिए। टाइम लगा रहे बेटा, अरे भेज दिए हो, चेंज करें ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, टाइम एक्सेलेरेशन ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द फॉलोइंग टाइम इंटरवल इन विच एक्सेलेरेशन विल बी 0। एक्सेलेरेशन 0 कब हो रहा है, यहां है ना, क्या आंसर होगा 2 सेकंड टू, नजर नहीं आ रहा क्या, 2 सेकंड टू 4 सेकंड, ठीक है। अब इस पेज के कलर के लिए मेरे पास कोई परफेक्ट कलर नहीं है, शायद देखता हूँ। अगला क्या, एक्सेलेरेशन है टी इज इक्वल टू, ये बेटर है, एक्सेलेरेशन है टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स पर एक्सेलेरेशन, कांट फाइंड, क्यों पूछो क्यों,
पूछो क्यों, पूछो क्योंकि बेटा 5 सेकंड पे स्लोप कैसे निकालोगे, तो तुम शार्प है ना, 5 सेकंड से जस्ट पहले निकाल सकते हो, जस्ट बाद में निकाल सकते हो, यहाँ पे कैसे निकालोगे स्लोप, है ना, देख रहे हो 5 सेकंड पे स्लोप नहीं निकाल सकते आप, समझ में आई बात, 5 सेकंड से जस्ट पहले बोलोगे नेगेटिव स्लोप निकाल लेंगे, 5 सेकंड जस्ट बाद बोलोगे पॉजिटिव स्लोप निकाल लेंगे, पर 5 सेकंड पे स्लोप नहीं निकाल सकते, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 4 सेकंड एंड 8 सेकंड। अच्छा सॉरी, एक्सेलेरेशन का ग्राफ है क्या, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा वेलोसिटी का ग्राफ है, तब तो निकाल सकते हैं भाई, कितना होगा इसका एक्सेलेरेशन 5 सेकंड पे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना, बोलो, तो गिवन ही है ना। अब बेटा फिर डायग्राम कर लेते हैं इनका, क्या करोगे, ठीक है, अगर बुक में 15 दे रखा है तो मैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन का आंसर भी 15 से ही आएगा, तो -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये तो एग्जैक्ट 15 पे जाके जोड़ना चाहिए था ना, 10 पे, 10 और 15 के बीच में जोड़ दिया, मैं कैसे बताऊं, मैंने अंदाजे से 10 बोला उसमें, नहीं 15 है, ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 4 to 8 सेकंड, मतलब ये वाला एरिया, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, दिस एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 × base is 4 × height is -15, या 15 लिखो, दैट इज इक्वल टू 2 × 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड पर नेगेटिव में, तो आंसर विल बी -30 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत, हाँ देख रहा हूँ, कॉपी कर लो इसको, कॉपी हो गया, तो क्वेश्चन है, इफ अ फुटबॉल किक फ्रॉम द ग्राउंड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फाइंड इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड। ये तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, कौन सी बुक में है ये, क्या बात कर रहा, हो ही नहीं सकता, मैं करा दे रहा हूँ, अलग बात है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो बेटा प्लीज बेयर विद मी, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्या है इस 30 डिग्री के एंगल पे, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेता हूँ मैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos 30 degree, मतलब कि 10√3 meter per second, और एक वर्टिकल कंपोनेंट 20 sin 30 degree, मतलब 10 meter per second, ये समझ में आ रहा है, जिसने डाउट पूछा उसको, आया ना, आया ना, वेक्टर के कंपोनेंट आते हैं, आते कि नहीं आते बता दो ना, हाँ या ना बोल दो, नहीं आते तो बेटा इस क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब अभी बिल्कुल नहीं कर सकते, सोचेंगे नहीं, बाद में कराएंगे, चिंता मत करो, ये एडवांस क्लास में हो जाएगा, अभी आपकी स्कूल के सिलेबस की बुक नहीं है, गारंटी से, अगर है तो गलती से क्वेश्चन दे दिया उसने, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, स्कूल के सिलेबस की बुक है या कोई फाउंडेशन की किताब है ये,
रेफरेंस है, फाउंडेशन बुक होगी कोई, ठीक है। हाँ तो वो हो जाएगा, मैंने बताया है लास्ट ईयर, इस साल फिर से बताऊंगा। बट वेक्टर के कंपोनेंट अगर अभी नहीं आते हैं, तो फिर इसको अभी सॉल्व करने का कोई स्कोप नहीं हमारे पास, ठीक है बेटा। हाँ ये होने लायक नहीं है। और कोई क्वेश्चन भेजा है किसी ने? क्योंकि ये तो मोशन इन वन डायमेंशन है ही नहीं ना, सोच के देखो बॉल तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे गिरेगी ना बॉल तो। यहाँ पर आपको बताना है, ये तो आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है ना, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉ टाइम स्पीड ग्राफ। स्पीड टाइम की जगह टाइम स्पीड बोल दिया इसने, कोई बात नहीं। इधर टाइम है, इधर स्पीड है, ठीक है। क्या होगा, स्पीड कॉन्स्टेंट है 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड में किलोमीटर पर आवर में कर दे रहा हूँ, टाइम को मैं आर में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ट्र यहाँ 40 है, आया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला बोल रहा है टाइम डिस्टेंस ग्राफ, तो इधर मेरा टाइम है आर में, इधर मैंने बना लिया डिस्टेंस, मैंने बोला ये 1 आर, ये 2 आर, ये 3 आर, ये 4 आर, और मुझे को कहाँ पहुँचना है, 4 सेकंड में कितना पहुँच जाएंगे हम लोग बताओ तो जरा, 40 किलोमीटर पर आवर से 5 आवर्स है ना, 5 आवर्स में कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये बताएगा मुझे। 200 किलोमीटर पहुँच जाएंगे ना, ये डिस्टेंस है, यहाँ हो जाएगा कितना 200, और ग्राफ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक एकदम स्ट्रेट, जो क्वेश्चन पूछा गया वो काम सारे हमने कर डाले, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। एनीथिंग एल्स? अच्छा एक और आया ना क्वेश्चन, कॉपी हो गया नहीं वाला, तो बोला है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी जो है वो फ्री फॉल करी है थ्रू अ हाइट एच, तो उसकी स्पीड हुई है वी, बोला इसको फर्दर कितनी डिस्टेंस और फॉल करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड 2v हो जाए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका मान लेते हैं ग्राउंड है,
ये यहाँ से बॉडी गिर रही है, यहाँ से बॉल गिर रही है, जब ये एच हाइट गिर जाती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। ये फर्दर कितना, ये एच था, ये फर्दर कितना कैपिटल एच हाइट और गिरे जिससे इसकी वेलोसिटी 2v हो जाए। यही है ना क्वेश्चन, आया ना? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, नीचे की तरफ प्लस, ऊपर की तरफ माइनस। ए से लेकर बी तक की इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। क्या लिखेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू जी एच। आया ना? डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है? बी टू सी, टू वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू जी कैपिटल एच। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा? थ्री वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी कैपिटल एच, जिसको मैंने बोला इक्वेशन टू। यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, क्या बोला? दिस मीन्स थ्री टाइम्स टू जी स्मॉल एच इज इक्वल टू टू जी कैपिटल एच, दिस मीन्स कैपिटल एच इज इक्वल टू थ्री स्मॉल एच। ठीक है, आप चाहो तो बी टू सी की जगह ए टू सी भी इक्वेशन लिख सकते थे, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े, और क्वेश्चन भेजा किसी ने? क्या क्वेश्चन नेक्स्ट? ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड। देखो बेटा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इनिशियल कंडीशन नहीं बताई गई, यू बताया नहीं गया। ठीक है, तो मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं U equals to zero, ठीक है? ओके बेटा, कोई दिक्कत है? सो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड कितना हो जाएगा? U प्लस हाफ ए इंटू टू इंटू फोर माइनस वन, होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? और डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड कितना हो जाएगा? U प्लस हाफ ए इंटू 2 into 5 minus 1. So therefore, displacement in 4th by displacement in 5th second is equal to 7 by 9. ये relation बन गया. But इसमें assumption है कि u को मैंने 0 माना है. क्योंकि question उतना सही से clear नहीं कर रहा है भैया क्या करना है initial velocity. अगर आप assumption नहीं लेते हो तो आप दूसरा काम कर सकते हो. विदाउट अजम्पशन अगर आप रिलेशन निकाला जाए तो मुझे नहीं लगता वो पूछा गया, इसलिए मैं दूसरा सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड आएगा u प्लस सेवन ए बाई टू, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड आएगा u प्लस नाइन ए बाई टू, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड इज इक्वल टू a। दिक्कत ये कि ए भी नहीं गिवन है, इसलिए मैं अगर एक्सेलरेशन गिवन होता तो मैं ये रिलेशन निकालता पहले, पर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो ये रिलेशन निकाल के मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, है ना? क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं तो क्या करूं, कुछ जो मन में आया सॉल्व कर दिया और क्या। ठीक है, और कुछ पूछा किसी ने? अच्छा, छूट गया था क्या?
का तो कुछ दिख ही नहीं रहा बेटा, इतना छोटा है। नहीं 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 मेरे को दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिखेगा मुझे इस चीज में। 60th वाला ना? Yes, चलो, बोल रहा है ये कि अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकंड, इट रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकंड, द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.04 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। क्या बोला है? बोला है कि दीवार है, ये बॉल आती है, इससे टकराती लौट जाती है, टकराते हो किसकी वेलोसिटी थी 6, लौटते हो किसकी वेलोसिटी थी 4.4, और कोलिजन में जो टाइम लगेगा ना टकरा कर बॉल जितनी देर के लिए कॉन्टैक्ट में रही दीवार से, क्या होगा? बॉल जब आगे टकराएगी तो पहले दबेगी, फिर वापस से अपना शेप लेगी, फिर कूदेगी ना, आया ना? ये 4.4 है, ओके। टाइम आपको दिया है वो वाला, जितनी देर के लिए कांटेक्ट में रहता है आपको टाइम दे रखा है 0.04 सेकंड्स। आपसे पूछा है कि इसने जितनी देर के लिए बॉल वॉल के साथ कांटेक्ट में है, जितनी देर के लिए बॉल दीवार के साथ कांटेक्ट में है, जितनी देर के लिए गेंद दीवार के साथ कांटेक्ट में है। अंग्रेजी में दोनों एक जैसे लगते हैं, अलग अलग हिंदी में बोल दिया। जितनी देर के लिए गेंद दीवार के साथ कांटेक्ट में है उतनी देर में एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम क्या बोलेंगे? हमने लेट से इनिशियल वाले को प्लस मान लेते हैं, फाइनल वाले को माइनस मान लेते हैं। तो u हो गया प्लस 6, v हो गया माइनस 4.4, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस 10.4 मीटर पर सेकंड। और टाइम तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस 10.4 अपॉन 0.04, दैट इज इक्वल टू या माइनस रख लो 1040/4 है ये, तो 260 माइनस 260 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? और कोई फोर्स, और कोई क्वेश्चन किसने भेजा है? नहीं, समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? तो आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, तो किसी को कोई डाउट नहीं है और नया कोई एक्स्ट्रा कोई? ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं, क्या करेंगे, 10 मिनट बचे हैं, कुछ पढ़ा सकता नहीं नया। नेक्स्ट क्लास में हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम क्या है, फोर्स। ओके बेटा, ओके, चलो फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बेटा, बाय बेटा।